इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां कार सवार सिरफिरे युवक ने शहर में दहशत फैलाई है। तेज रफ्तार कार ड्राइव करते एसपी ऑफिस के पास से युवक निकला तो क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। युवक कार का विंडो खोलकर चाकू लहरा रहा था। अग्रसेन चौक के पास से गुजर रहे पुलिसकर्मी ने जान जोखिम में डालकर पीछा किया और आरोपी को पकड़ा है। अमहिया थाना में पदस्थ आरक्षक अजय चौधरी और मुकेश चतुर्वेदी ने साहस दिखाया और पकड़कर अमहिया थाने के हवाले कर दिया है। युवक अर्धनग्न अवस्था में कार चला रहा था, जिससे माना जा रहा है कि वह नशे की हालत में था। युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से जिला कोर्ट होते हुए अग्रसेन चौक पहुंचा, जहां से शिल्पी प्लाजा होते हुए अमहिया की तरफ भाग रहा था। तभी पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों ने धर दबोचा है। चलिए ना, हम चल रहे हैं ना, मैं खुद चल रहा हूँ। रखा वहाँ रखा। वहाँ चाकू वहाँ छुएगा नहीं। हाँ पकड़ के सर सर चाकू कहाँ रखा? चाकू निकाल लीजिए आप ना, आप निकालिए, गाड़ी दे दीजिए इनको। आज अमहिया थाने ने एक कार है MP17CB 5380, इसमें एक आशीष शुक्ला नामक व्यक्ति जो है कार में चल रहा था और कार की विंडो वाली खिड़की से चाकू दिखा रहा था। हमारे मीडिया के कुछ साथियों ने देखा है उसको और इसकी सूचना जो है तत्काल थाने में दी। अमहिया थाने के जो सिपाही गश्त में थे वो तत्काल वहाँ पहुँचे और मीडिया के बंधु के सहयोगों से उसको पकड़ा गया, थाने लाया गया। व्यक्ति जो है प्रथम दृष्टा कुछ नशे का आदि और मानसिक रूप से विकृत समझ में आया है, अभी उसकी पूछताछ और पड़ताल चल रही है। बिल्कुल, उसका ये कार बहुत ही साहसी था और इसमें मीडिया बंधु का भी काम बहुत सराहनीय था। मैं पुलिस की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भविष्य में भी उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह का सहयोग हमको करें। और ये तो हमारी ड्यूटी थी, हमारे कर्मचारियों का काम ही था ये, और उनने अपना जो है 100% दिया और तत्काल पहुँचे और तुरंत जो है उसको अपने अभिरक्षा में लिया है। सराहनीय काम था, इसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाएगा।